वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको तहरी की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि ठंड के मौसम में बहुत फेमस है और बहुत तरीके से बनाई जाती है। आज मैं सिर्फ आलू के साथ बना रही हूँ, लेकिन आगे मैं आपको हर तरह की सब्जी के साथ बना के दिखाऊंगी। तो मैं उसमें डाल देती हूँ पचफोरन और एक तेज पत्ता। ऑयल हो गया गर्म, अब इसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे सूखे मसाले। मैंने ले लिया है हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल और आलू। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून रहा है, इसे अच्छे से भूने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेसिपी के अलावा भी और सारी मैं वीडियो इस पे डालने वाली हूँ आगे, तो आप पहले मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। उसके बाद मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बहुत मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में। तो मसाला हमारा भून गया था और मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया है। अब आलू को थोड़ी देर भून लेंगे, उसके बाद फिर चावल मिक्स करेंगे। तो आलू भी हमारा थोड़ा भून चुका था, अब मैंने इसमें चावल मिक्स कर दिया है। अब चावल को भी बस 30-40 सेकंड भून लेंगे। और अगर आप खिचड़ी से बोर हो गए हैं या फिर और सारी चीज़ों से बोर हो गए हैं, तो एक बार इसे ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी लगता है टमाटर की चटनी के साथ, बैंगन के साथ और फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें पानी मिक्स करते हैं। पानी के बाद हम इसे 3-4 सीटी लगा लेंगे। एक बार नमक चेक कर लें, तो नमक हमारा यहाँ पे सही है। अगर कम हो तो डाल दें इसी स्टेज पे। और अब इसे 3-4 सीटी आने तक पकाना है। यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज मिर्चा का तड़का लगा दूंगी और ये खाने के लिए रेडी है।